तो दोस्तों मैं हूं आपका सौंदर्य एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V वर्सेस बजाज पल्सर N160। तो देखते हैं दोस्तों इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाती है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आप लोग कर देना 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम की बात करें तो इसके ये जो हमने लिया है ये हमने जो वेरिएंट लिया है ये लिया हमने सेकंड वेरिएंट, और N160 का जो लिया है ये हमने एक ही वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल है। हमने प्राइसेस सेम करने के लिए हमने क्या करा ये बाइक्स सेकंड ऑफ मेन वेरिएंट लिया है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम प्राइस की एक्सट्रीम की बात करी जाए तो ये पड़ेगी आपको 1.33 लाख रुपीज़ की एक्सट्रीम प्राइस पड़ जाएगी। N160 जो आपको पड़ेगी ये पड़ेगी आपको 1.31 लाख रुपीज़ की एक्सट्रीम प्राइस में पड़ जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो आपको 2000 रुपीज़ का फर्क पड़ेगा। तो 2000 रुपीज़ ज़्यादा देके क्या हमें एक्सट्रीम लेनी चाहिए या फिर 2000 रुपीज़ कम देके हमें N160 लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों एक्सट्रीम की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 163.2 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेंगे वो निकालेंगे 16.9 PS एट द रेट 8500 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे वो निकालेंगे 14.6 Nm एट द रेट 6500 RPM पर। BS का ब्लेंड 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। N160 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 164.82 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke एयर प्लस ऑयल कूल्ड 2-valve का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो देगी वो देगी 16 PS एट द रेट 8750 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क देगी वो देगी 14.65 Nm एट द रेट 6750 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ 0.9 PS की पावर आपको एक्सट्रीम में मिलेगी, और यही पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 0.05 Nm का टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा आपको N160 में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर के मुकाबले में हमारी एक्सट्रीम विन करती है। और NS के मामले में बात करा जाए N की बात करी जाए N पल्सर N160 की बात करी जाए तो यहाँ पे 0.05, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम ही मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम का जो इंजन है आपको बढ़िया इंजन मिल जाएगा क्योंकि पावर आपको 0.9 PS की ज़्यादा मिल जाएगी। सिंगल सिलेंडर की दोनों मोटरसाइकिल होने वाली ओरिंग चैन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। एक्सट्रीम के अंदर आपको 2-valve का इंजन मिलेगा और पल्सर के अंदर आपको 2-valve का इंजन मिलेगा। एक्सट्रीम के अंदर आपको 4-valve का इंजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई एक्सट्रीम का जो इंजन है वो पावरफुल इंजन है। यहीं पे अगर ब्रेकिंग की बात करें दोनों मोटरसाइकिल में डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी। एक्सट्रीम के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा और पल्सर के अंदर आपको डुअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग के मामले में आपको पल्सर काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको सेम ही टायर मिलेंगे। तो एक ही में हम कंप्लीट कर देते हैं। तो 100x80 का फ्रंट टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगा 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट में, और जो रियल टायर मिलेगा 130x70 का रियल टायर मिलेगा 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे को पूछा जाए तो यहाँ पे मुझे एक्सट्रीम के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो 160 सेगमेंट के अंदर सेकंड नंबर पे अच्छा लगता है, ठीक है। और भाई अपना N160 का तो भाई अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ही है, तो इसका सेकंड नंबर पे मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हो सीट हाइट की, अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 795 mm की सीट हाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1133 mm का व्हील बेस आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और N160 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1358 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा। यानी N160 का व्हील बेस जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल की सेम है, 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। देखो वैसे दोनों मोटरसाइकिल एक लेकिन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है तो ऑफ रोडिंग के लिए खैर नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी हम जैसा बंदा होगा चुल करेगा तो भाई ऑफ रोडिंग करने भी जरूर जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग आपको दोनों मोटरसाइकिल बराबर की ही दे रहेगी। यहाँ पे अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और N160 के अंदर आपको 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से 2 लीटर्स माइनस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको N160 में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 144 kg का कर्व वेट आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, N160 का जो कर्व वेट मिलेगा 154 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। तो 10 kg ज़्यादा जो है वो आपको पल्सर में मिल जाएगा N160 में। तो यहाँ पे दोस्तों माइलेज पर काफ़ी डिफरेंस आएगा।
अगर एक्सट्रीम की मैं माइलेज की बात करूँ तो एक्सट्रीम आपको 45 का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। यही पे N160 की बात करूँ तो दोस्तों ये आपको 42 का माइलेज निकाल के देगी। तो माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सट्रीम अपनी जो है वो विन करती है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगी। पर्सनली मुझे एक्सट्रीम की टेल लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा पसंद मुझे आती है क्योंकि एक्सट्रीम की टेल लाइट का डिज़ाइन अच्छा लगता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की अगर बात करें 276mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। वहीं पे N160 के डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 300mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों को दोस्तों जो है 24mm ज़्यादा है, यानी 24mm डायमीटर ज़्यादा जो है वो आपको N160 में मिल जाएगा और रियल में अगर देखा जाए तो 10mm ज़्यादा जो डायमीटर है वो आपको N160 में मिलेगा। यानी N160 की ब्रेकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे टक्कर देती है या नहीं देती। वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या टक्कर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इसके साथ में भाई बजाज है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो रेक्टेंगुलर शेप की आपको इसके अंदर फ्रेम मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि आपके फ़ोन में कोई कॉल, कोई मैसेज या नेविगेशन वगैरह कुछ भी आपको यूज़ करना है तो वो सारा आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर जी तो यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट वगैरह जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएंगे कि कोई अगर आपकी बाइक वगैरह कोई आप किसी को देते और कोई इधर उधर उल्टी सीधी कहीं जगह लेके जाता है, आपको बोलता कहाँ के और लेके कहाँ जाता है, तो वो सारा का सारा आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छी है। दोस्तों यारों में काफ़ी बढ़िया चीज़ें बोल के पास तक जाते, दूर तक लेके चले जाते तो हमारे फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही कि हाँ भैया कहाँ गई है, कहाँ रुकी है और कहाँ क्या हुआ है। यहीं पे आपको SMS वगैरह कॉल हो गई, जैसे कोई कॉल मैसेज कुछ भी हो गया वो सारा आपका एक्सट्रीम का मीटर बता देगा। वहीं पे मैं पल्सर के मीटर की बात करता हूँ, पल्सर है क्यों दिल तोड़ रही है भाई लोगों का। तो यहाँ पे अगर मैं पल्सर की बात करता हूँ N160 के अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस टू MPT आप लोगों को मिल जाएगा, फ्यूल इकोनॉमिक आप लोगों को बता दी कि मतलब माइलेज इट मीन्स क्या दे रही, फ्यूल रेंज आप लोगों को बता दी कितने डिस्टेंस पे और कंप्लीट जो बाइक जो है वो और चलेगी। तो ये काफ़ी बेसिक से मेरे को फीचर्स लगे हैं एक्सट्रीम के सॉरी बजाज के मामले में बात कर जाए तो भाई फीचर्स तो पता ही नहीं कहाँ चल रहा है यार, बजाज समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसने N160N की सीरीज़ भी निकाली लेकिन वो वाली मज़ा मुझे आया नहीं जो मज़ा एक आना चाहिए था 2024 के अंदर। काफ़ी यार अब आउटडेटेड मुझे लगने लगा फीचर्स के मामले में। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें काफ़ी अच्छा है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, USB चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को N160 के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आपको चार्जिंग वगैरह की टेंशन नहीं है लेकिन एक्सट्रीम में आपको एक्सटर्नली लगवाना पड़ेगा। LED टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेंगे, यानी इट मीन्स एक्सट्रीम में भी डुअल चैनल ABS है भाई। यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग की थोड़ी लग रहा है इन्फॉर्मेशन गलत है कि तो डुअल चैनल ABS आपको एक्सट्रीम में भी मिलेंगे। नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल दोनों ही मोटरसाइकिल में, सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगा, स्प्लिट सीट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आपको N160 में मिल जाएगा और प्रॉपरली डिजिटल मीटर कंसोल आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। डिस्टेंस टू MPT जो है वो आपको लोगों को, यानी इट मींस फ्यूल रेंज जो है इकोनॉमिक फ्यूल रेंज जो है वो आपको N160 बता देगी। डिस्टेंस टू MPT आपको N160 बता देगी। क्लॉक आपको N160 के अंदर मिल जाएगा। प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको N160 के अंदर मिल जाएगा। एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। नेविगेशन आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगा और सर्विस ड्यू आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स बता देगी। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों को परचेज करनी चाहिए 2024 के अंदर। तो दोस्तों देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और देखो एक इंपॉर्टेंट बात और है, USD सस्पेंशन जो है वो आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक प्लस पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि एक्सट्रीम के अंदर आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे और रियल में आपको मोनोशो का सस्पेंशन मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यार N160 क्या है ना, मुझे लुक में बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लुक मुझे लगा N160 का। लेकिन फीचर्स के मामले ना, इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई बहुत दूर है एक्सट्रीम, कहाँ है तो N160 बहुत पीछे है भाई, ठीक है। और दूसरी अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर एक प्लस पॉइंट क्या, आप लोगों को जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। तो 2024 के अंदर जिस हिसाब से अगर देखा जाए एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा 15 साल तक मोटरसाइकिल चला, भाई मैं खुद हूँ अपनी अपाची लिया भाई 15 साल तक मैं चलाऊंगा, इससे पहले जो मोटरसाइकिल थी वो मैंने 15 साल तक बहुत पहले चलाई थी। तो यहाँ पे कहना हमारी एक्सट्रीम जो है ये हमें फुल मज़ा देगी, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए भी अगर मैं आने वाले 5 से 10 साल तक की मैं बात करूँ ना तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भाई आज के टाइम पे स्टार्ट है तो 15 साल तक कहीं नहीं गई है।
तो यहाँ पे क्या भाई एक्सट्रीम ना एक नंबर की मोटरसाइकिल है N160 के मुकाबले में। तो दोस्तों आप लोगों को यही रिकमेंड है कि आप लोग 2000 रुपये ज़्यादा देके एक्सट्रीम की तरफ ही जाओ। बाकी N160 आप लोगों को अगर पसंद है तो आप भाई ले सकते हो। बस देखो N160 के अंदर भी प्लस पॉइंट है, इंजन वगैरह दोनों मोटरसाइकिल के अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा क्योंकि देखो दोनों मोटरसाइकिल एक नई मोटरसाइकिल है, N160 भी नई मोटरसाइकिल है। हीरो की एक्सट्रीम पहले आती थी लेकिन पहले से बिल्कुल भी अलग है, बहुत अलग है, पहले वाला कुछ भी नहीं है। तो अब क्या दोनों ही नई मोटरसाइकिल है, तो देखा जाए तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप N160 की तरफ ही चले जाओ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख लेकिन दो चैनल आर्ट ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक दो चैनल को जो भी सब्सक्राइब करना तो ओके।